नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कलर थेरेपी के बारे में। कलर थेरेपी शरीर और मन दोनों को शांत और स्वस्थ बनाने के लिए बहुत फायदेमंद है। आज हम आपको बताएंगे कलर थेरेपी में किस रंग का क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर ले। रंग बिरंगे रंगों से हमें खुशी मिलती है, रंग हमारे मन को खुश कर देते हैं। आपने कहीं थेरेपी के बारे में सुना होगा, इसमें से एक कलर थेरेपी भी है। हालांकि कम लोग ही इस थेरेपी के बारे में जानते हैं, लेकिन कलर थेरेपी की शक्ति आपके तन और मन को शांत करने में काफ़ी फायदेमंद है। कलर थेरेपी एक वैकल्पिक थेरेपी है जो शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए विभिन्न रंगों के साथ की जाती है। कलर थेरेपी को क्रोमोपैथी, क्रोमोथेरेपी या कलर थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं कलर थेरेपी क्यों की जाती है और इसके क्या फायदे हैं। कलर थेरेपी क्यों की जाती है? कलर थेरेपी का लक्ष्य शारीरिक और मानसिक संतुलन को ठीक करना है। यदि आप तनावग्रस्त हैं, तो कलर थेरेपी आपके तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करती है। कलर थेरेपी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, आपको एनर्जी देती है। कलर थेरेपी प्राचीन मिस्र के समय से ही है। मिस्र के लोगों ने प्रकाश की शक्ति पर विश्वास कर इस थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रयोग किया। कलर थेरेपी के फायदे। कलर थेरेपी में कुछ विशेष रंग शामिल है, जिसमें हर कलर का अपना एक अलग महत्व है और इनके अलग अलग फायदे भी है। लाल रंग। लाल रंग उत्तेजना, परिसंचरण, मन और आत्मा से जुड़ा है। यह लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, लाल जड़ता को भी दूर करता है। इसका आध्यात्मिक महत्व ऊर्जा और शक्ति है। नारंगी रंग, यह व्यक्ति की यौन ऊर्जा को बढ़ा देता है। इसके अलावा यह रंग त्वचा पर चमक बनाए रखने के लिए भी उपयोगी है। यह साहस को प्रेरित करता है और मानसिक ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। पीला रंग। पीला रंग आपकी समझ और बुद्धि को बढ़ा देता है। हरा रंग। हरा रंग हार्ट को स्वस्थ बनाए रखता है, यह आपके दिल को प्रभावित करता है और बीमारियों से दूर रखता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हरा रंग शरीर का तापमान बनाए रख सकता है और सरदर्द जैसी समस्याओं में भी राहत दिला सकता है। नीला रंग, यह एक ठंडा रंग है जो त्वचा के रंग बिगड़ने से राहत देता है। ब्लू कलर थेरेपी का उपयोग पित्त और बुखार जैसी समस्याओं से सामना करने के लिए किया जाता है। यह रंग तन और मन को शांत बनाए रखता है। बैंगनी रंग। बैंगनी या वॉयलेट रंग मन को एक छठी इंद्रिय और अंतर्ज्ञान के लिए है, यह आपके ज्ञान को बढ़ावा देता है। कलर थेरेपी आप में शांति की भावना पैदा करती है और यह ऊर्जा के प्रभाव को नियंत्रित करता है। यह जोड़ों के दर्द को ठीक करने में भी मददगार है। कलर थेरेपी तनाव हार्मोन्स के उत्पादन को कम कर सकती है, यह आपके ध्यान, सतर्कता, जागरूकता और एकाग्रता में सुधार करती है। पैनिक अटैक के खतरे को भी कम करने में सहायक है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है हमारे वीडियो से आपको कलर थेरेपी के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर ले। अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना।